सबका स्वागत है। और कल हमने एक महत्वपूर्ण चीज देखी थी, उर्रीम और तुम्मीम, कि परमेश्वर के पास जाकर के परमेश्वर की इच्छाएं पूछना और हमारी मिनिस्ट्री के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है अंग है। और न सिर्फ मूसा के समय में वरन प्रभु यीशु मसीह के समय में भी प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मसीह यीशु भी चाहते थे कि प्रत्येक सेवक जो है परमेश्वर के पास जाए अपने संदेशों के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी सारी शारीरिक बातों के लिए, संसारिक बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए। परमेश्वर स्वयं ऐसा चाहते थे। और उर्रीम और तुम्मीम एक गहरा रहस्य लिए हुए थे। सो जो समस्या थी हमने देखा था वो यही थी कि लोग अपने जैसे मैसेज जो है चर्च में जो देना है मैसेज, वो मैसेज सो कई जगह जो है रेडीमेड मैसेज तैयार है और जो है सेवक लोग आकर के उन मैसेज को 10-15 मिनट में तैयार करके, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, और फिर उस पर यह दुआ कि प्रभु तू इसे आशीष दे। सो और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन करके ऐसा कर भी रहा है क्योंकि हम उसी का मैसेज दे रहे हैं। वास्तविकता इससे भिन्न है। और मैंने बताया था कई कारण है कि हम आत्मा ही नहीं जीत पा रहे हैं। जो है हमारी मिनिस्ट्री सोल विनिंग मिनिस्ट्री नहीं हो पा रही। हम किसी भी क्षेत्र में रहे, परमेश्वर हमसे फलों की आशा करता है। और इसी की कड़ी में आज जो है एक और हिस्सा हम देख रहे हैं, वो है अनॉइंटिंग। परमेश्वर ने याचकों का अभिषेक किया, हारून और उसके बेटों का अभिषेक किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो याजक है वो एक परंपरा को निभाते रहे। लेवी गोत्र में से याजक होते थे, महायाजक होते थे, और जो है वही ऐसा अधिकार रखते थे कि परमेश्वर की बातें लोगों तक लेवी लोग पहुंचा पाए, ऐसा परमेश्वर ने कहा भी था। और तकलीफ वाली बात यह हो गई कि जब परमेश्वर को जो है उसके कंधे पर बंदूक रख करके उसका गलत इस्तेमाल होने लगा, और यही जो है परमेश्वर को बुरा लगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने सबसे पहले मन फिराव का जो है सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए, उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार किया। जो चेले थे प्रभु ने उनको कहा जाओ और कहो लोगों से मन फिराओ, मतलब प्रभु जो है संसारिक कर्मकांड के अलावा जो चाहते थे, जो जिसमें याजक लोग कमजोर पड़ रहे थे, वो था मन फिराना। और जैसा आज हम याजक हैं और प्रभु हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम मन फिराएं, परमेश्वर के पास जो है ईमानदारी से सच्चाई से चले। और जो है प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे तो याजक लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि जो ये काम तू कर रहा है वो किस अधिकार से कर रहा है। तो ये सुसमाचार सुनाने का अधिकार तो सिर्फ याजकों और महायाजकों और लेवी गोत्र को है, तो लेवी गोत्र का है नहीं। सो कैसे सुसमाचार प्रचार कर रहा है, किस अधिकार से प्रचार कर रहा है, हम तो क्यों सुने। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो है अभिषेक परमेश्वर की ओर से था या लोगों की ओर से था, महायाजकों की ओर से था। सो उन्होंने बोला कि यदि परमेश्वर की ओर से बोल देंगे तो वो बोलेगा सुना क्यों नहीं, और यदि ये कहेंगे कि महायाजकों की ओर से तो झूठा ठहरेंगे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किसी महायाजक से याजक से पूछ करके अपनी सेवा आरंभ नहीं करी थी, ना उसका अभिषेक इन लोगों के द्वारा हुआ था। और आज के जमाने में भी जो है जैसे परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा तुम याजक हो, ये याजक किसने बनाया आपको, क्या किसी संस्था ने, क्या किसी व्यक्ति ने, क्या किसी के हाथ रखने से आप याजक बने, नहीं, आपको याजक पद का
अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला है। सो आपका अभिषेक पृथ्वी से नहीं, सबसे पहले तो परमेश्वर की ओर से हुआ और फिर उसके बाद जो है आप सेवा में उतरे, या परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो वस्तु है वो ये कि संसारिक जो याजक थे न सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था में हेरफेर हो रहा था लेकिन वो उसे ईमानदारी से भी नहीं कर पा रहे थे। आपने कई बार देखा होगा कि चर्च के जो पढ़े लिखे पास्टर्स हैं, सेवक लोग हैं, वो उतनी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जितना एक कॉमन अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, न सिर्फ भारत में वरन ओवरऑल वर्ल्ड में। ओवरऑल वर्ल्ड में परमेश्वर ने कई लोगों को जो अनपढ़ थे, जो गरीब थे, जो कुछ नहीं समझे जाते थे, उनको खड़ा करा, उनके द्वारा जो है आश्चर्य कर्म होने लगे, और न सिर्फ आश्चर्य कर्म, वे आत्माएं जीतने वाले सेवक हो गए, आज भी है, आज भी है। सो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले का अभिषेक, जैसे चेलों का अभिषेक, जैसे पौलुस का अभिषेक, जैसे जो है यूहन्ना का अभिषेक, इन सब का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, और ये लोगों ने जो है चर्च को स्थापित करा और कलीसिया का निर्माण करा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जो है स्थापित हुई। सो आप डरे नहीं कि कहीं आपने थियोलॉजी नहीं पढ़ी है और कहीं आप कॉलेज नहीं गए हैं तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। नहीं, आप भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो है याचकों का अभिषेक जो है मूसा के समय में जो है उसके लिए कई जगह आया है। मैं छोटा सा एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, निर्गमन की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसा तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है हारून का पहला अभिषेक, पहला ऑफिशियल जो है महायाजक का अभिषेक और उसके बेटों का याचकों के लिए, और ये परंपरा चली आती रह रही है। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर ने लेवी ग्रुप को जो है छोड़ करके ये कहा कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको एक याजक बनाया, जैसा प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसका 5वां अध्याय उसका 20वां अध्याय यहाँ सत्य के कहा गया है कलीसिया को, उसके लोगों को याजक, याजक और याजक। और ये अभिषेक कहाँ से? ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर। सो आप अपने आप में छोटे नहीं है, आप भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जितना कोई और परमेश्वर का सेवक। सो आए मेरे साथ हम थोड़ी देर तक इन अभिषेक के जो हारून का अभिषेक हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करें। और परमेश्वर ने जो कहा कि हारून और उसके पुत्रों का मेरे लिए जो है अभिषेक करना, उनको अलग करना, उनका संस्कार करना और उनको पवित्र करना, तीन चीज जो है परमेश्वर ने हारून के विषय में और उसके बच्चों के विषय में मूसा से कही। और जो है निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय
41 आयत में ये बात जो है कही गई। और सबसे पहले अभिषेक करना, दूसरा उनके संस्कार करना, और तीसरा उनको पवित्र करना। और हम अभी देख रहे थे, ये परमेश्वर ने बताया था मूसा को, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस अवस्था को जो है वैसे ही रखा, और हमें जो है अभिषेक किया, हमें जो है संस्कार जो है रिचुअल्स ये जो कहें, और तीसरा हमें पवित्र किया कि हम उसके लिए याजक का काम दें। और जो है अभिषेक करना, जो मैंने बताया कि अभिषेक जो है हालांकि ये हिब्रू वर्ड है, और अभिषेक जो है पुराने नियम में जो है जो हमारे पूर्वज थे उनका अभिषेक किया गया, जो याजक है उनका अभिषेक किया गया, जो भेषवक्ता है उनका अभिषेक किया गया, राजाओं का अभिषेक किया गया, मसीह यीशु का अभिषेक किया गया, और पवित्र वस्तुओं का अभिषेक किया गया, परमेश्वर के लोगों का अभिषेक किया गया। और अभिषेक में जो मटेरियल यूज होता था वो पुराने नियम में जो है ऑयल, जैसा कि यहां बताया गया है, वो ऑयल जो है जनरली जैतून का तेल होता था, और नए नियम में जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और यही बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कही थी कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक सामर्थ्य है, और वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और नए नियम में भी जो ये शब्द है वो ग्रीक शब्द में कुरियो शब्द जो है करीब 5 बार आया है, कम टू अनाइंटस, अनाइंट बाय ऑयल, कम अनाइंटिंग करिश्मा, और ये वो अभिषेक का जो परमेश्वर की ओर से, इसका विपरीत सिक्के का दूसरा पहलू जो है ये भी बताया गया कि ऐसा अभिषेक शैतान और उसके दूतों का जो है शैतान लगातार करता जा रहा, और शैतान ने जो है कई लोगों को भी इसमें ले लिया, इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया, और इनका अभिषेक बिल्कुल तरीका वैसे ही है जैसा परमेश्वर के लोगों का अभिषेक। और फर्क जो है मत्ती रचित सुसमाचार में, प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना की पत्रियों में पौलुस जो है इस विषय में हमें बराबर बताता रहता है। और अभिषेक के बाद में जो है दूसरा जो है संस्कार जो है, और संस्कार के लिए जो है 7 स्टेप थी। संस्कार के लिए पहली चीज थी कि याचकों को जो है वो परमेश्वर के पास लाया जाए, लेवी व्यवस्था 8 अध्याय पहली चीज, याचक लोग जो है परमेश्वर के पास लाया जाए, फिर उन्हें नहलाया जाए, तीसरी चीज उन्हें वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाए, और एक एक वस्त्र का, एक एक चीज का, एक एक नाप का जो है महत्व था, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था, फिर उनका अभिषेक किया जाए, और फिर उनके लिए जो है बलिदान चढ़ाया जाए, और तब वे परमेश्वर की भेंट की रोटी लाए, परमेश्वर से कम्युनिकेशन करें, और तब वे परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जाए। ये 7 स्टेप जो है संस्कार के लिए, लेवी व्यवस्था 8 अध्याय, हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं
कि ये दूसरे जो स्टेप थे संस्कार की, वो संस्कार वाली ये स्टेप थी, और प्रभु यीशु मसीह में हम लाएगा बपतिस्मे के द्वारा हमारा पापों से छुटकारा हुआ और धोएगा, हमें श्वेत वस्त्र पहनाएगा, और कलीसिया में जो अनाइंटिंग है वो पवित्र आत्मा के फल, और जब भर जाए पूरे तो पवित्र आत्मा के वरदान, और हमारा प्रतिदिन का सेक्रीफाइस वो प्रार्थना है। प्रतिदिन जो है परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन, और इस संसार के साथ में और शरीर के साथ में नहीं जोड़ते हुए जो है परमेश्वर के साथ जुड़े, और परमेश्वर लाया, परमेश्वर ने मूसा को हारून का नाम लेके बोला, उसके बच्चों का नाम लेके बोला। आज मैं आपको बता दूं कि आप परमेश्वर के पास आए हैं किसी व्यक्ति विशेष के कारण से नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण से, और परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने आपके नाम को जीवन के पुस्तक में लिखा, और जो है जो ये याजक महायाजक का अभिषेक है वो जो है उनको जब वे वस्त्र पहनाए गए उसके बाद उनके लिए बलिदान चढ़ाएगा पुराने नियम में, और यहां हमारे लिए बलिदान कौन चढ़ा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो है दो जो है बकरे और एक जो है बास्केट जो है बिना खमीर की रोटी, साधारण रोटी, खमीर जैसा हम सबको मालूम है पाप को बताता है, और पाप के लिए जो पहले से विद्यमान है पाप बलि चढ़ाए, और जब शुद्ध हो जाए तो बिना जो है खमीर की रोटी, और क्या क्या लाने को बोला, इनको कपड़े पहनाने को बोला, और कपड़े जैसा कलीसिया में प्रकाशित वाक्य सातवां अध्याय कलीसिया को विश्वासियों को परमेश्वर ने श्वेत वस्त्र दिए, और वो श्वेत वस्त्र कहां से श्वेत हुए, तो स्वर्गदूत ने कहा कि इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, और प्रभु ने इनको जो है अभिषेक किया, प्रभु ने इनको जो है आगे बढ़ाया, इनका अभिषेक है पृथ्वी का नहीं, इनका अभिषेक स्वर्गीय और आत्मिक, और इनके लिए जो सिन ऑफरिंग पाप बलि थी वो पाप बलि यहां तो पुराने नियम में रोज चढ़ाना पड़ती थी, हम आगे जाके जो है सारा देखेंगे प्रतिदिन का बलिदान, लेकिन नए नियम की कलीसिया के लिए जो बलिदान है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया। और जो है दो बछड़े जो है ये बलिदान को बता, जो आपके पापों को बता, और जो है पूरी एक अखमीरी रोटी से भरी हुई बास्केट, और अखमीरी या खमीर जैसा मैंने बताया, खमीर लेवन जो है वो पाप को बताता है, इन्हें पवित्र कर, और जो ये दो बछड़े थे इनमें से ये याजक लोग अपने हाथ उस पर रखते थे, और वो हाथ रखने के द्वारा अपने जो है पाप इस बछड़े पर जो है ट्रांसफर कर देते थे। सो जैसा मैंने बताया कि इनके लिए जो है वो एक पाप बलि जो है उसके ये
बछड़े चढ़ाए जाते थे, वो पाप बलि कैसे ट्रांसफर करी जाती थी। जो हम यहाँ हाथ देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है, याजक लोग जो है, अपने हाथ इस बछड़े के सिर पर रख रहे हैं और ऐसा करके वे अपने पाप को इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा हमने देखा था कि जब लोग बुड़बुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने उनके बीच में सांप भेज दिए और वे उनको डसने लगे। लोग उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई। मूसा पास आए, मूसा ने कहा कि प्रभु क्या करें, तो परमेश्वर ने कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पर रख दे, जो कोई सांप का काटा हुआ उसको देख लेगा तो उसके देखने भर से वो बच जाएगा। मतलब पाप जो या जहर जो सांप का है, उस पितल के मूर्ति को देखने से अपने प्राण बचाएगा। और यही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, निकुदमुस से कहा कि जैसे जंगल में पर मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाएगा, जो कोई उसको देख लेगा अपने पाप उस पर ट्रांसफर कर देगा। और ऐसा करके देखने पर से, विश्वास करने पर से जो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। और ये जो पाप के लिए जो है डे ऑफ एटोनमेंट, ये एक त्योहार भी जो है इसराइली लोग मनाते हैं, जैसे हम आगे देखने जा रहे हैं। और जो याजक लोग हैं अपने हाथ यहां पर इसके बकरे के सिर पर रख करके और फिर इसके लहू को लेकर के वेदी के पास। सो ये जो पाप बलि है, वो पाप बलि में ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा मैंने बताया कि ये एटोनमेंट छुटकारे का जो दिन था, ये छुटकारे के दिन में ये दो बकरों के ऊपर जिनके ऊपर हाथ रखे गए थे, एक तो बलिदान के रूप में और एक जंगल में छोड़ दिया गया। तो वो जंगल में सारी पब्लिक के पाप को लेकर के चला गया। ये मूसा की व्यवस्था, ये परमेश्वर ने उसको दी। ये दो बकरे जो हैं, जो दो यहाँ पर बछड़े बताए, ये बकरे बताए, ये वो पाप बलि का जो है चिन्ह थे। और डे ऑफ एटोनमेंट आपके बदले जो है इन बकरों को सेक्रीफाइस किया गया था, पुराने नियम में, जहां आपके जीवन के लिए, आपकी आशा, आपके सत्य के लिए। सो ये वो दो बकरे थे जो आपके लिए चढ़ाए गए थे। और जैसा हमने देखा कि उनके लिए जो है वो दोष बलि चढ़ाया गया। और यह बताया गया कि हमारे लिए जो दोष बलि था नए नियम के चर्च के लिए, वो कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया और हम लोगों के लिए लिखा है कि उसके मार खाने से, उसके मरने से हमें जीवन मिला। वो हमारे लिए मर गया और हमें जीवन मिला। जैसे जो है हमने अभी उस जो है स्थिति में देखा, ये वो पाप बलि थी जो मेमने के रूप में, एक मेमने को तो चढ़ा दिया गया और एक मेमने को जो है छोड़ा गया। और मसीह यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ पाप बलि के रूप में, जो है परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर लाद दिए और वो क्रूस पर हमारे पापों को लेकर के मर गया और उसके मरने से हमें जीवन मिला और उसके पुनरुत्थित होने से हमें आशा मिली। अब जैसे वो आने वाला है, हमें तैयारी का जीवन मिला। सो ये वो पाप बलि थे। कॉन्सेक्रेशन जो है दूसरा पाठ था। और मूसा जो है हारून और
और उसके बच्चों को लेकर के आया और पानी से उनको धोकर के, ये पानी से धोना पुराने नियम में कहीं बपतिस्मा शब्द नहीं आया, लेकिन बपतिस्मा प्रतीकात्मक रूप से प्रतिदिन सेलिब्रेट किया जाता था, प्रतिदिन सेलिब्रेट किया था। और मूसा ने उन्हें वो वस्त्र पहनाए और वस्त्रों के बाद में उनको संस्कार किया और जो है संस्कार में वो जो है सबसे पहले उन्हें तंबू के अंदर लेके आया। वो बताता था कि पिता के समीप, फिर वो उन्हें द्वार पे ले आया, द्वार मतलब प्रभु यीशु मसीह, फिर वो उन्हें अंदर ले गया मतलब पवित्र आत्मा। सो ये वो अभिषेक की प्रोसीजर थी, ये वो अभिषेक की प्रोसीजर थी। और जिन्हें पवित्र करना था वह हारून उसके पुत्र और वस्त्रों को, और जैसा सिन ऑफरिंग पाप बलि चढ़ाएगा और वो पाप रहित रोटी ये जो है इसमें चढ़ाई गई। और जो है अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया इनका अभिषेक किया गया, इनको अलग किया गया, सारे इजराइलों से जो है परमेश्वर ने इनको अलग किया और सारी जातियों में से परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, सारे विश्व में से चुना, किसी भी जाति का क्यों ना हो, जिसकी सच्चे परमेश्वर की और तलाश से उसकी पहुंच प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। सो अभिषेक पर हमने ये अध्ययन देखा, आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए और ये कि प्रभु आपकी ओर से अभिषेक हुआ, आपने चुनाव करा, आपने वो संस्कारों के सारी जो बातें थी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी करी, हमें एक अलगाव का जीवन दिया कि हम इस संसार में और शरीर में और शैतान पे जय प्राप्त करते हुए आप में लगातार बढ़ते जाए। तो प्रभु हम भी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारे प्राण, हमारी देह, हमारी आत्मा प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो और जब तक इस पृथ्वी पे रहे प्रभु आपके कहलाते रहे, आपकी सेवा करना प्रभु हमारा सौभाग्य है। फिर से धन्यवाद प्रभु उन रहस्यमय बातों के, और आपने जो बताया, आपने जो प्लानिंग पृथ्वी के आरंभ से आरंभ करी वो अपने समय पर अपने लोगों पर प्रकट हुई। हम सारे विश्वासियों को आपके नजदीक लेकर आए और सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.